अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको PSL के मैचेस के शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि उनकी डेट्स क्या हैं, उनकी टाइमिंग क्या है और कहां कहां ये मैचेस खेले जाएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान के 4 शहरों के अंदर PSL इस बार खेला जाएगा और सबसे ज़्यादा मैचेस कराची में खेले जाएंगे, और इसके अलावा जो प्ले ऑफ्स और फाइनल हैं वो भी कराची में खेला जाएगा। लाहौर और रावलपिंडी के अंदर 9 मैचेस खेले जाएंगे और मुल्तान के अंदर 5 मैचेस खेले जाएंगे। टोटल जो है वो 34 मैचेस हैं, और इसमें सबसे पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 17 फरवरी को रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसी तरह मैच नंबर 2 जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर और पिशावर जलमी के दरमियान 18 फरवरी को दोपहर 2 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, और मैच नंबर 3 जो है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान 18 फरवरी को शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 4 जो है वो लाहौर कैलेंडर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर के दरमियान 19 फरवरी को शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 5 जो है वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 20 फरवरी शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 6 जो है वो पिशावर जलमी और कराची किंग्स के दरमियान 21 फरवरी को दोपहर 2 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 7 जो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान 21 फरवरी शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 8 जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 22 फरवरी शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 9 जो है मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी के दरमियान 23 फरवरी शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 10 जो है वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान 24 फरवरी शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अच्छा, मैच नंबर 11 की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मैच नंबर 12 की बात करें तो लाहौर कलंदर और पेशावर जलमी के दरमियान 25 फरवरी शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 13 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के दरमियान 26 फरवरी शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 14 जो है वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान 27 फरवरी को शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच नंबर 15 जो है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 28 फरवरी को शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच नंबर 16 की अगर बात करें तो कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 29 फरवरी को शाम 7 बजे कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच नंबर अगर 17 की बात करें तो वो पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर के दरमियान 2 मार्च को दोपहर 2 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 18 की अगर बात करें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 2 मार्च को शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 19 जो है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान 3 मार्च को शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और मैच नंबर 20 की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के दरमियान 4 मार्च को शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 21 पेशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान 5 मार्च को शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 22 जो है वो 6 मार्च को 2 बजे दोपहर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 23 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा 6 मार्च शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैच नंबर 24 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे 7 मार्च को शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 25 जो है वो पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 8 मार्च को शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 26 जो है वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान 9 मार्च को शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच नंबर 28 जो है मैच नंबर 27 की अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 10 मार्च को दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच नंबर 28 जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान 10 मार्च को शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
इसी तरह मैच नंबर जो 29 है वो पिशावर जलमी और कराची किंग्स के दरमियान 11 मार्च को रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 11 मार्च से ऑनवर्ड चूँकि रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो सारे मैचेस जो हैं वो रात 9 बजे स्टार्ट होंगे। अच्छा जी, मैच नंबर 30 की अगर बात करें तो मैच नंबर 30 जो है वो मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 12 मार्च को रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच नंबर 31 जो है वो जो क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 के दरमियान 14 मार्च को रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इसी तरह अगर आगे बढ़ें और बात करें मैच नंबर 32 की तो मैच नंबर 32 खेला जाएगा एलिमिनेटर 3 और एलिमिनेटर 4 के दरमियान, जो कि 15 मार्च को होगा रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेला जाएगा ये। अच्छा जी, मैच नंबर 33 जो है वो एलिमिनेटर के का जो विनर होगा उसका और जो क्वालिफायर का जो रनअप होगा उनके दरमियान खेला जाएगा और वो 16 मार्च को रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और फाइनली मैच नंबर 35 विच इज़ फाइनल, ये खेला जाएगा 18 मार्च रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में। और इस तरह हमारा PSL जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो ये थी सारी PSL के मैचेस की डिटेल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।